साथ में भाई सज्जन जी और मीन का स्वागत करे संगत करे भाई खुशहाल जी और संगत करे भाई कन्हैया कन्हैया जी हरमीन पर संगत संगत करे गीता रानी का भाई खुशहाल जी कोरस पर संगत करे कन्हैयालाल जी जो बरहन चंदौली से बिलान करते हैं और पहलवान जो नानक कबीर जी के सुपुत्र हैं और उधर कमलेश जी कमलेश यादव जी जो बड़े सुंदर कलाकार बड़े अच्छे कलाकार बढ़िया फनकार हैं ढोल पर संगत करे भाई सार्जन जी कैलाश जी राजेंद्र जी मनोज कवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आइए आपका समय शुरू होता है हेलो हेलो चेक हेलो हेलो ठीक है सही है ना आप लोग को सुनाई देता भैया पीछे तक जा था ना आवाज 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 हो क्या बात है ये देखिए फितरत है कलाकारों की फितरत है आपके पीछे तक आवाज जाता कि नहीं थोड़ा मंच पे लाइटिंग आप पंकज जी मंच पे लाइटिंग उड़ाइए हेलो हेलो चेक हेलो बारे हमारे संजय भैया जी भैया थोड़ा अंधेरा लगा था लाइट एक थे आप लोग जला दा उधर वो अंधेरा देखा अगर चेहरा ना दिखाई दे आप लोग को तो गाँव बजाल कुल बेकार है नहीं दिखाई दे हो दिखाई दे ना अरे अरे हमार जवाब जी वो तो काहे ना दिखाई दे अब हमार दिखाई दे समझ ला सबका दिखाई दे अरे क्या बात हमार दिखाई दे तो हमसे सबर साफ हो ऐसे आप जबाजों के जबाज हैं चलिए नौगढ़ में आप अंधेरे में कहाँ हैं ऐतिहासिक पावन धरती है बारे नवगढ़ की धरती बारे आप लोग जो कि बैठ करके बाबूजी आप लोग बिरहा सुन रहे हैं देख रहे हैं हमारे बिरहा के धरोहर बिरहा के सम्राट आप लोग मुखारविंद से सुन रहे हैं हमारे माननीय महोदय हमारे जज के रूप में हमारे कवि जी जो कि हमारे अखाड़े का लेखक हैं बाबू जी जो खन कवि जी चंद्रिका के अखाड़े का लेखक हमारे पूज्य गुरु जी रामचरण कवि जी कवि तुल्य बाबू जी हृदय सम्राट हमारे हरिद्वार के खाड़े खा अरे हमरे हरिद्वार गुरु जी जो कि बाबू जी अपने कलम को लिखने से ये मंच पर ये पोस्ट पर इतना सम्राट बनाए हमारे गुरु जी मंच पर मंचासीन है जज के रूप में जबाज को बाबू जी जबाज बनाए हैं लेकिन अपना अपना मेहनत है कर्म है कर्म करना चाहिए इंतजार का फल हमारे बेचू कभी जी फल का इंतजार करें कर्म करें और फल का इंतजार करें बस बस सॉरी जिगर का ये ज्वाला मुखे देश
अब मूर्ख हो के धरती पर बड़ा भी नहीं चल गई, लेकिन धरती बीरों से खाली गुरु जी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। कैसे मास्टर? यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल, प्यार ना कहले हुआ कहा सुना। प्यार कुल कई प्रकार का होला, भाई भौजाई खो, मरद मेहरारू खो, सारू सरवाई का, यही से तो देर नहीं देने पड़े तू। लेकिन बतावल के लिए हमारे जैसा लड़की रहो वो सवाल करती है अपने आशिक से, क्या कि मैं नाचे खुश ना हो, क्या हूँ कि मैं नाचे खुश ना हो, अरे तू मेरा यह तराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम। सवाल जवाब गावे है, अब तो समय के अमन पाबंदी में या थोड़ा वो के समय के देखते हुए गाओ के बाद, लेकिन लहावत है लौजे तो ठीक हो, लौजे तो सवा से रहिए है। कैसे कहा मेरे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी तनिया बताओ, निजियान के ऊपर मरतूं हमारे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहा, यही तरह जब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी खड़ा हो तो एक उठाए के दबाए के कहते तो चढ़ जा मास्टर। I'm
निकाले बेटा भाई, गरम गर्मी फेंक दे। ये हम पीर भा जोने में से चाप दर रस निकल आवे है, गरमा के रुका बच्ची वो है पीर भा हो गवैया का गरमा ना। हां गरमा के तो तो का भैया पहलवान हूं। हां पहलवान भैया हूं घड़ा में। ए भैया तनी कहानी के आप लोग समझ ले, ए जे तक कहानी मिलल एगो लंदन के रहे वाला नामी पट्ठा पहलवान माइकल डॉन भारी भरकन हो, ओजन कभी जी ओजन 1 क्विंटल 15 किलो ओके घमंड हो गेल के हमरे जैसे कोनो पहलवान। पेपर में बाबूजी छपवा दिया था सुबह के बेला में जो हमारे हिंदुस्तान का नामी पट्ठा पहलवान है बाबू सागर सिंह चाय पियत हुए पत्र पेपर उठाए के पढ़लन कलन के रे कि शर्मा अंग्रेज डब्बा का दूध पिए वाला अरे बाबा हिंदुस्तान के पानी के चैलेंज कैलस अरे बाबा कलन के सुन सारे कलन जो सामने वालों के चाप दिले धरती में धस गया आज है एक कड़ा मल्ली आई आला देखा टिपरा लड़बे अरे यार तू लोग मत घबरा। उस समय बतावल गई बाबूजी कुश्ती शिकार कर लन कुश्ती के दिन कहाँ रखल गई कानपुर में ऐतिहासिक शहर कानपुर में कुश्ती रखल गई। दोनों पहलवान पहुंचते हैं हाथ मिला करके नौजवान चला हाथ मिला करके नौजवान चला एक पहलवान एक 500 जो 1 क्विंटल 15 किलो का पहलवान है जब यहाँ से चले तो यहाँ से रंगे तो यहाँ से उस समय बतावल गेल इधर संजय पहलवान कहे चल आ जाए यजमान जी कितना पानी में हुए। उस समय बाबूजी पहलवान का खान आप लोग जानी ला कमर पतील ऐठाई रान चाकर छाती अगरदन चढ़ा कपार छो तनी पढ़ल के लिए हमसे। और समय बताऊ के लिए भैया धरा 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 दाव पर दाव करे लगला बाबू सागर से दाव पर दाव करे लगला आखिरी दाव जो समय लगेले हुआ अच्छा उचक बाबू जी 1 क्विंटल 15 किलो पहलवान के गोदी में उठौलन उठा के पटकलन पटक के मरमराए के छतिया के ऊपर ठेहनिया से कलेजवा का दमोच दिल में पता चला तू हुलुका में खून भी आ गया वो ससुराम। और समय बतावल गई तो हिंदुस्तान का लोग कौत हुआ गीत लगे मास्टर कौन गीत मा अब इतनी सबानगी बदे हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का वह थोड़ी सा बता देते आप लोग माटी लगा के है खड़वा चले समय रियाज लगना। अरे बाप जिया पहलवान जिया सुना गवैया बजवैया चढ़वैया के तू कह घोड़ा कहो तू घोड़े पर ज्यादा चढ़त हुआ ऐसे तो उस समय बाबूजी जन समय पहलवान दोनों घूमे लगवन तो भाई का मास्टर भाव है देसी
कैसी पहलवान केसरी, एक है बाबूजी एक मूर्ख था जो हमारे हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा था, वो कौन है? वही बाबू सागर सिंह का अजीज मित्र सौदागर सिंह था। उस समय बाबूजी धीरे धीरे जमने समय भेद बता करके बाबू सागर यादव ये महफिल के बीच में अखाड़े के बीच में पटके हैं, हिंदुस्तान का लोग शासी दे रहे हैं, वाह वाह, अरे हमारे हिंदुस्तान के नामी पट्टा पहलवान, तूने हिंदुस्तान का लाज बचा लिया, हिंदुस्तान का कर्ज चुका दिया। उसमें जिससे आप इतना पंच भैया बाबू लोग पिरहा सुने बदे बैठल ही, वैसे कुश्ती देखे बदे कानपुर में बैठल हुआ, बहुत लोग बैठल बड़न, दो चार दस जिले के लोग बैठल हुआ, तो गीत लगल कौन गीत बा मास्टर? हिंदुस्तान का लोग कहत हमार बाबू सागर सिंह के का, अरे राखल हला भारत कपने कहलन, अरे राखल हला भारत कपने अल्लाह चाई कायल गोरवा दुहुमाली पहलवान का माइकल डॉन अपने झोपड़ी में जाता है, ऐलान कर देता है, जो कोई बाबू सागर सिंह का हमको पता बताएगा, अरे मरवाने में मना मदद करेगा, उसे 1,00,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बतावल गए बाबूजी पैसा के लोभ में आके कौन पड़ल कहना है, अरे सागर का नीति, अरे सौदागर सिंह अप्पा जी, अरे मारे पते सागर को किया सब, अरे तकवा कमाए या भिखाने, अरे तकवा कमाए या भिखाने, हिंदुस्तान के लोग कौथवन वही बाबू सागर सिंह का अजीज मित्र सौदागर सिंह जाके पैसा के लोभ मिल जाता है। भैया तू अपना बेस्ती का बदला चुकाना चाहते हो तो सुन लो, 3 बजे भोर में बाबू सागर सिंह जगिया नगोटा पर कानपुर अखाड़े के बीच में भोर में रियाज मारे झलन, यही अच्छा मौका हो। माइकल डॉन सुना पिस्तौल में गोली लोड करके एक पेड़ की आड़ से छिप जाता है, आई इधर जंगिया नगोटा कांधे पर ले हुए बाबू सागर सिंह चलल हो तो भैल का मास्टर गीत लगल कौन गीत बा? गीत से बढ़िया भाव बा मास्टर कहना है, अरे ये नदी ने अखड़ हवा परी, अरे भोर में बेजू, अरे खेल गयो करे जवाब में हरे गोली हो, निशाना लगा करके माइकल टॉन जो हिंदुस्तान का गद्दार है, अंग्रेज साला कुत्ता जो मूर्ख है बाबूजी, और समय बतावल गए पिस्तौल निकाल करके निशाना लगा के तार तार गोली चलाए दिले हो माइकल टॉन जो हमारे हिंदुस्तान का नामी पट्टा पहलवान है, बाबू सागर सिंह के सीने के बीच गोली लगल हो, उसमें भैल का मास्टर अरे भागी गल माइकल डॉन, अरे लंदन के
माइकल डान लंदन के लिए भाग जाता है। इधर लहू लुहान में शरीर लखपत भइल हो। बाबू सागर सिंह का जो पहलवान है संता एकदम हल्ला ना होगा भैया, बस एकदम 5 मिनट और मिजाज बना के। उसमें सरिता जिस समय अपने पति का खबर पाती है, जाती अपने जवान पति का शरीर लखपत देख ले हो, एक पलथिया पलिटा के उसमें बाबूजी कहे लगे रे स्वामी आपकी खेत बोली मल्ल सिया बताई था बाबू आखिर में आंसू ढूंढवाई लो। बाबू सागर यादव अपने सरिता दुल्हन की एक बात कर दो का कला मास्टर सरिता दुलही रोवत बा। बाबू सागर सिंह समझावत हो अपने दुलही सरिता रोव मत, एक ठे काम करा समझावत हो का। अरे देश के करनवा सरजू संजय बड़का बेटा के तू पट्ठा पहलवान बना दिया कि हमार सपना जरूर पूरा कर दे। इतने में बाबूजी बतियावत बतियावत बाबू सागर सिंह का मुहवा खुलल तो खुले रह गए भैया। सरता दुल फूट फूट करके रोने लगी अपने पति के लाश पर। गांव घर का मदद लेके जाकर दाह संस्कार करती है सरता। दोनों टूरन बचपन के लेके आई आए अपने पति का बाबूजी बात का पालन करे लगल। सरता बात का पालन करे लगल। बाबू सागर के मरले धीरे धीरे 10 वर्ष का दिन बीतल है और वही अखाड़े पर मतारी भेजे लगल। चौने अखाड़े पर पहलवानी करत रहे बाबू सागर सिंह। उनका बड़का बेटा संजय पहलवान पहलवानी करे लगल, पट्ठा पहलवान बन गल। गांव घर में शोहरत मच गल। लोग अपने में आपस में बात करते हो अरे यार बाबू सागर यादव को बेटवा पट्ठा पहलवान बन गल। तनी चल के देखल जा। मतारी सरता देख जाती है कि यही बदे हमने बेटवा के पालत रही है। उस समय सरता कह लग लगे बेटा तेरे बाबू को मरवाने वाला और कोई नहीं था, तेरे बाबू का अजीज मित्र सौदागर सिंह था वही मरवाया है बेटा। उस समय भैर का मास्टर तेरे के अंदर भाव
सागर सिंह का बेटवा आवाज लगाया है नीच निकाल। इतना बतिया सुन ले सौदागर सिंह को से भाई इतना रतिया तनी चल के देख मार ऐठत गुठत आवत है तब तक बाबूजी चढ़ल जवानी है गुस्सायल हुवन संजय पहलवान पिस्तौलवा निकाल के तर 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 गोली चला दे। सौदागर सिंह तो खत्म हो गया वहां पर आया कौन माइकल डान तो भैल का मास्टर आधा केंद्र भाव जैसे आप लोग बैठल है पंच भैया बाबू लोग आ वही समय बतावल गेल जने समय दाव प्रदाव संजय पहलवान माइकल डांस करे लगलन कौन कौन दाव लगाओ थे मास्टर आवत पानी है हिंदुस्तान का पानी पनिए रही और हिंदुस्तान का मिट्टी तोरे में खाए और का था ये हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का रोटी खाए के हिंदुस्तान का पानी पी के अब तू गद्दारी कर थे मूर्ख सारे नीच गद्दार ठेला थे ओस में बाबूजी वही मफिलिया के बीच में सरदा मतारी बैठी थी आ जब देखला सरदा कि हमार बेटवा पटकले हो वो एक कुंटल 15 किलो के पहलवान के जो हमारे पति कुमारा है कलेजा गदगद हो जाता है खड़ा हो जाती है कराज करके बोलती है कहती है क्या मास्टर आवा तो खड़े ना जाऊ लाया
सरता के ऊपर के काहे ना हम एकरे सिनेमा में गोली मार दे। लिचवा बैठल हुए छोटका भैया सरजू देखलन के हमरे माई के मारे चाहला तब तक दौड़ के गइलन पिस्तौलवा के खींच के बाबूजी तर 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 फिर गोली चला देलन। जो एक कुंटल 15 किलो का पहलवान भी है वो भी खत्म। अंग्रेज पुलिस आते हैं दोनों भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं हाथ में हथकड़ी को लगा लेते हैं। तो भाई का मास्टर सजा हो गल। अब मतारी जाती है कौन मतारी है सर अपने जवान बेटवा को फांसी पर लटकते हुए देखी अपने आप के रूप भाई बच्चो जा करके मतारी सरता देखती है पता चला कि उस सरता मतारी के हार्ट अटैक हो जाता है। उस सरता मतारी भी दुनिया के छोड़ करके जुदा हो जाती है। ये मर कहानी लाल बाबू जी पहले बताइए कर्म ही प्रधान चीज है जो जैसा करेगा वैसा फल कीर्ति अमर चीज होती है आखिरी लाइन बरकासी बुल्लू अरे डूब गए हैं दम से ते स्वर्ग गया कभी सुख न नसिया सुबह है कमम से अरे भगवती कई क्या पागे ना झुकी ते की तो कमल से क्या फिर हाथे कोई ना सम्मान स्मृति चिन्ह दे करके माननीय महोदय जी के कृतज्ञ द्वारा हरिलाल कैमूरी जी आप आवे।